ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का अंतिम संस्कार कल होगा। इसमें शामिल होने के लिए देश दुनिया से तमाम नेता लंदन पहुंच रहे हैं और इस बीच महारानी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए लोग 15 घंटे तक लाइंस में खड़े रह रहे हैं। ब्रिटेन के संसद के वेस्टमिंस्टर हॉल से शुरू हुई लोगों की कतार साउथ वार्क पार्क के आसपास तक कम से कम 8 किलोमीटर तक पहुंच गई है। ये लोग महारानी को अंतिम विदाई देना चाहते हैं। अधिकारियों का कहना है कि लोगों को 15 घंटे तक इंतजार करना पड़ सकता है। आजकल लंदन का न्यूनतम तापमान 6 डिग्री तक पहुंच जाता है। महारानी को इंग्लैंड ही नहीं पूरी दुनिया से श्रद्धांजलि देने वीआईपी पहुंच रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। बाइडेन अपनी पत्नी जिल बाइडेन के साथ महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए ब्रिटेन पहुंच चुके हैं। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी महारानी के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए लंदन पहुंच चुकी हैं। इससे पहले महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के सभी 8 पोते पोती वेस्टमिंस्टर हॉल पहुंचे और उन्हें खास रीति रिवाज के साथ श्रद्धांजलि दी। महारानी एलिजाबेथ का अंतिम संस्कार कल यानी 19 सितंबर को लंदन में होगा। दुनिया के कई बड़े नेता इस दौरान मौजूद रहेंगे। ब्रिटेन में सबसे लंबे समय तक राज करने वाली महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का निधन 8 सितंबर को हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।